कल अभिषेक राणा ने जो मीटिंग ली, जो बयान दिया, आप युवा मोर्चा इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल अभिषेक राणा ने जो हमारे सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर के ऊपर बयान दिया, युवा मोर्चा अभिषेक राणा से ये पूछना चाह रहा है कि सुजानपुर में हर मोड़ के ऊपर जो पट्टिकाएं लगी हुई है अरविंद राणा की, वो पट्टिकाएं रही, वहां काम कहां हुआ? और रही अनुराग ठाकुर की बात, तो अनुराग ठाकुर का नाम ही काफी है काम के लिए, क्योंकि अगर हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वो अनुराग सिंह ठाकुर जी लेके आए और उसकी क्लासें भी चल चुकी हैं। हमीर पूरे संसदीय क्षेत्र में जो 4 सेंट्रल स्कूल खुले, जिनकी पढ़ाई चल पड़ी है, वो अनुराग ठाकुर जी ही लेके आए। और ऊना में IIIT का जो शिलान्यास हो चुका है और काम चल चुका है, वो अनुराग ठाकुर जी ही लेके आए। और जिला हमीरपुर के साथ जिला बिलासपुर और ऊना में जो नशे का कारोबार कांग्रेस के टाइम में बड़ा था, उस कारोबार को रोकने के लिए और युवाओं को खेलों के प्रति, युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल महाकुंभ का आगाज किया, जो काफी सफल रहा, जिससे कि युवा आज नशे की लत से दूर होके खेल के मैदान में जा रहे हैं, खेल रहे हैं। ये सारी देन अनुराग सिंह ठाकुर जी की ही है। और जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग हॉस्पिटलों में जाकर लाइनों में खड़े होते थे, उनको सुविधा देने के लिए अनुराग सिंह ठाकुर जी की ही सोच है, जो कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में अभी तक ना कोई कर पाया, ना आगे कोई कर पाएगा, कि अनुराग सिंह ठाकुर जी ने हॉस्पिटल ही घर द्वार भेज दिया, ताकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। मैं अभिषेक राणा जी को सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि जो पैसे की राजनीति वे करते हैं, संगठन में रह के, संगठन में काम करके पद मिलते हैं, पिताजी के नाम से पद नहीं मिलते उनको। वो जैसे हवाई लीडर हैं, वैसे ही उन्हें पद भी हवा में ही मिल चुके हैं, और वो पैसे के दम पे राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर अपने मेहनत के दम पे छोटे से गांव बीरपुर से निकल के सबसे अमीर संस्था भारतीय कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने, और जो मुख्य चेतक का पद उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, वो उनकी मेहनत का ही नतीजा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ सुजानपुर के इस कागजी नेता को कि जो अपनी कागजों में ये बयान करते हैं, वो अपना काम करके दिखाएं। धन्यवाद।